समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह के खिलाफ प्रयागराज में मतदान को प्रभावित करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। रेवती रमन सिंह के साथ ही उनके 50 समर्थकों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद रेवती रमन सिंह को कुछ घंटे तक हिरासत में रखा था, लेकिन मतदान खत्म होने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। रेवती रमन सिंह के खिलाफ प्रयागराज के करेली पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 188, 353 और 171F के साथ ही पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 131 के तहत केस दर्ज किया गया है। करेली पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार राय की तरफ से दर्ज कराई गई FIR में रेवती रमन सिंह के साथ ही उनके ड्राइवर चंद्रशेखर और 50 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। FIR के मुताबिक शनिवार को प्रयागराज में हो रही वोटिंग के दौरान पुलिस को खबर मिली कि करेली इलाके में लेखपाल ट्रेनिंग स्कूल के पास समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह मतदान को प्रभावित कर रहे हैं। वो अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों पर दबाव बना रहे हैं। उनके पास कोई वैध पास भी नहीं था। प्रचार के लिए जो वाहन पास था भी, उसकी भी वैधता 23 मई को शाम 5 बजे ही खत्म हो गई थी। इस दौरान पुलिस के मना करने पर समर्थकों ने नारेबाजी व हंगामा किया और ट्रैफिक व कानून व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश की। कुंवर रेवती रमन सिंह द्वारा मतदान को प्रभावित करने की शिकायत पर पुलिस उन्हें थाने ले गई और मतदान खत्म होने के बाद उन्हें जाने दिया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता करेली थाने पहुंचे और वहां हंगामा किया। दूसरी तरफ रेवती रमन सिंह समेत विपक्षी नेताओं का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता उनके वोटरों को परेशान कर रहे थे, उन्हें वोट डालने से रोक रहे थे। पुलिस ने भी मदद करने के बजाय BJP की ही मदद की। सूचना मिलने पर वो मौके पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।